हाय गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा फास्टेस्ट कंप्यूटर के बारे में जो कि है मैक स्टूडियो। ये जो परफॉर्मेंस लेकर आता है बिल्कुल इनसेन अमाउंट की है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एक स्टूडियो रन करते हो या फिर कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क करते हो जो कि मीडिया से रिलेटेड है, आपको मैक से ज़्यादा अच्छी चॉइस आज के टाइम पर और कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो दे रहे हैं वो अनबीटेबल हो चुका है मार्केट में। खैर, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले बता देता हूं मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो। स्टूडियो डिस्प्ले भी अनबॉक्स करेंगे, बट सबसे पहले मैक स्टूडियो अनबॉक्स करते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स हमें मिलता है, मैं इसको खोल देता हूं। ऐसे रखा हुआ मिलता है, मैं इसको स्लाइड कर देता हूं शांति से। यहां पर जो है हमें एक पाउच मिलता है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और यहां पर जो हमें एप्पल स्टिकर मिलता है जो कि बहुत बड़ा है ब्लैक कलर का। बाकी ये है मैक स्टूडियो जिसके लिए आप पे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट मशीन, और इसके नीचे जो है पावर केबल मिलती है। वैसे मैंने इसको पहले से अनबॉक्स किया हुआ है, दोबारा से पैकिंग की है मैंने आप लोग को दिखाने के लिए। कुछ ऐसा दिखता है मैक स्टूडियो, कितना ज्यादा लाइक इसको थिक कर दिया है। और आगे की तरफ देखो, यहां पर एसडी कार्ड रीडर भी है और साथ में दो टाइप सी पोर्ट। और नीचे की साइड देखने का ऐसा लग रहा है कोई स्पेसशिप सी है, काफी कूल लुक दे रहा है ये। नीचे मैक स्टूडियो भी लिखा हुआ है, अटेंशन टू डिटेल अच्छी है। एक बात कहनी पड़ेगी कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मेरे को लगा था कि बहुत हैवी होगा ये, बट इतना हैवी है नहीं। और बैक साइड में हमें चार थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है यार। ऊपर से यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप 10G पोर्ट है, मैं सर्वर कनेक्ट कर सकता हूँ अपना, और बहुत फास्ट होता है यार। साथ में पावर केबल के लिए दो USB पोर्ट भी दे दिए, HDMI भी है, हेडफोन भी है, और यहाँ पर पावर बटन है। और जितना मैंने इसको यूज किया ना, मैंने फील किया कि बैक में हेडफोन जैक नहीं होना चाहिए था, फ्रंट में ही होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। और एसडी कार्ड आ गया है, सच में यार बहुत बड़ा सुकून है ये। और हाँ गाइस, इसमें जो है ना स्पीकर भी डाला हुआ है जो कि बहुत बुरा साउंड करता है यार, बट ऑब्वियसली वो थोड़े बहुत यूज के लिए है। स्टूडियो डिस्प्ले को अनबॉक्स करेंगे, उससे पहले बता देता हूं ये जो है ना 1,59,000 रुपीज का है, और सेम बॉक्स इतना ही बड़ा पूरा कंप्यूटर मिल जाता है एप्पल का ही। ये iMac है और ये जो है 1,20,000 रुपए की आती है और सेम बॉक्स है। सिर्फ डिस्प्ले के लिए इतने ज्यादा पैसे ले लिया एप्पल ने, ऑब्वियसली इसके पीछे रीजन है बताऊंगा। अब स्टूडियो डिस्प्ले को खोलते हैं और हमें कुछ ऐसे मिलता है। ओके, ये ना एप्पल ने नई पैकेजिंग की है कि बंदे से गिर ना जाए आई थिंक, इसीलिए ये उल्टा रखते हैं या सीधा रखते हैं, जो भी बोल रहे हैं। अब डिस्प्ले निकालते हैं, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और ये है स्टूडियो डिस्प्ले, फिर से बोलूँगा अनबॉक्स किया हुआ है, बट ये एक्सपीरियंस पुराना नहीं होता। पर गाइस, यहाँ पर ना एक थंडरबोल्ट केबल भी दी है एप्पल ने जो कि बहुत महंगी है यार, काफी ज्यादा महंगी है, तो शुक्र है फ्री दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जो है यहाँ पर ये केबल नहीं निकाल सकते, ये अटैच आती है मॉनिटर के साथ। और अगर आप देखोगे इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, अगर iMac से भी मतलब कंपेयर करते हैं ना, डिस्प्ले की थिकनेस ज्यादा है। ऊपर वाली साइड में यहाँ पर वेंट दे रखे है और नीचे की तरफ हमें स्पीकर मिलते हैं और बहुत फैंटास्टिक स्पीकर्स डाले, और साथ में यहाँ पर वेबकैम भी है जो कि अच्छी क्वालिटी का है। और पता है इसमें जो है ऑनबोर्ड 64GB स्टोरेज भी है और एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट भी है। ये खुद में एक छोटू सा कंप्यूटर है जो चलता नहीं है, मतलब जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और बैक साइड में ना सिर्फ एक थंडरबोल्ट पोर्ट मिलता है, बाकी तीनों नॉर्मल टाइप सी पोर्ट है। और मैंने इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा टेस्ट किया है, सारी बातें डिटेल में बताता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि मैक जो है गेमिंग के लिए नहीं है, बट अगर आप कोई और प्रोडक्टिव वर्क देखते हो तो सबसे फैंटास्टिक मशीन ही है, फिर तो विंडोज बिल्कुल भूल जाओ। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास जो है ना M1 मैक्स वाला ये मैक स्टूडियो है, यहां पर M1 अल्ट्रा भी आता है जो कि बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देता है, बट ट्रस्ट मी 99% लोगों को उसकी नीड भी नहीं होगी। ऑब्वियसली आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस हो तो शायद आपको M1 अल्ट्रा के लिए वो 5-6 लाख रुपए देने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये M1 मैक्स के साथ जो मैक स्टूडियो आता है वो मोर देन इनफ परफॉर्मेंस दे देता है। अगर मैं अपने वर्क फ्लो की बात करूं तो मुझे 2 4K स्ट्रीम्स को चलाना होता है और साथ के साथ उस पर एक हैवी एडिटिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग टेक्स्ट का काम होता है, और ट्रस्ट में वो बहुत हैवी प्रोजेक्ट बनता है, और तब भी इसने बहुत प्यार से उसको संभाल लिया। ये मैक स्टूडियो कहां पर स्टैंड करता है उसके लिए आपको थोड़े से रेफरेंसेस जानने होंगे। मेरे पास जो है ना iMac है जो कि इंटेल i9 के साथ आता है और उसमें 84GB रैम है, उसने कॉस्ट किया था मुझको अराउंड 5 लाख रुपीज। और दूसरा मेरे पास एक और iMac है बट वो M1 चिप के साथ आता है, और मैंने जो है सेम चीजें सारे कंप्यूटर्स में रन करी देखने के लिए कि मैक स्टूडियो स्टैंड का करता है। सबसे पहले इसके अंदर मैंने स्पीडोमीटर रन करा जो कि आपकी इंटरनेट की ब्राउजिंग का एक
बेंचमार्क निकालता है। ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्शन वर्क कर रहे हो तो आप बार बार ब्राउजिंग करोगे डिफरेंट डिफरेंट PNGs उठाने के लिए। अगर आप तीनों कंप्यूटर में देखते हो तो M1 चिप और जो मैक स्टूडियो है वो बहुत फैंटास्टिक परफॉर्म करते हैं। इंटेल वाले आज के टाइम पे बहुत पीछे जा चुके हैं। फिर सेकंड टेस्ट हमने एडोबी लाइटरूम का किया। मेरे पास 550 फोटोज जिसमें से थोड़ी सी जो है रॉ थी और थोड़ी जेपेग थी और उनको एक्सपोर्ट किया फिर। और मैंने आपको बताया था कि जो इंटेल वाला मेरा iMac है उसमें 84GB रैम है, स्टिल उसने लाइटरूम में एक मेजर डिफरेंस शो किया। और जो M1 है नॉर्मल वाली चिप और जो M1 मैक्स है उन्होंने कहीं ना तो कहीं लाइक अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे इंटेल की मशीन्स बहुत पीछे जा चुकी है अगर मैक की बात करूं तो, क्योंकि जैसे गीकबेंच के आप स्कोर्स देखोगे ना तो जो हमारी M1 मैक्स वाली चिप है वो डबल स्कोर्स ला सकती है। ऑब्वियसली वो डबल परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट अगर पावर कंजप्शन की भी बात करते हैं ना तो जो लेटेस्ट ये मैक आया ना M1 चिप के साथ ये बहुत कम पावर लेते हैं यार अगर हम इंटेल से कंपेयर करते हैं तो। इन शॉर्ट पावर के टर्म्स में एफिशिएंट भी और ज्यादा पावरफुल भी। और मैंने तीनों कंप्यूटर में डिस्क स्पीड टेस्ट भी रन करे और यहाँ पर मैक स्टूडियो ने लाइक डबल परफॉर्म किया यार, 5.4 GBPS बहुत ज्यादा होता है। तीनों कंप्यूटर में मैंने सिनेबेंच भी रन कराया और यहाँ पर भी मैक स्टूडियो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, खासकर मल्टी कोर में भी। ये थी सारी बेसिक बेंचमार्क वाली बातें जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ की बात करता हूँ के बाद जो है मैंने एक इंटरेस्टिंग टेस्ट किया। मैंने प्रोरेस वीडियो रिकॉर्ड करी 3 मिनट की 4K 30 FPS पे और तीनों कंप्यूटर में जो है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट के रिजल्ट्स बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा जो इंटेल वाले कंप्यूटर है ना वो प्रोरेस को लाइक इंपोर्ट भी बहुत स्लो करते हैं। जब मैं उसका प्रोजेक्ट बना रहा था ना तो उसने ज्यादा टाइम लिया इंटेल वाले ने। और ये जो M1 वाले है ना प्रोरेस को लेके कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमाइज है, आप रिजल्ट्स देखो। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सबसे सस्ता मैक है 80,000 रुपए का मैक मिनी उसने सबसे बेटर परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली मैक स्टूडियो और iMac M1 के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस था, बट सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इंटेल चिप के अंदर जो कि प्रोरेस को लेके बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। फिर मैंने 8K फुटेज ली 5 मिनट की और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पर मैक स्टूडियो के अंदर 3 8K फुटेज जो है स्ट्रीम्स आराम से प्लेबैक हो रही थी। फिर मैंने उस 8K 24 FPS वाली फुटेज को एक्सपोर्ट किया थोड़ा सा एडिट करके और यहाँ पर डिफरेंसेस फिर से मजेदार है। जो मैक स्टूडियो वो 17 मिनट के आसपास एक्सपोर्ट कर पाया और जो इंटेल वाला है वो 32 मिनट ले गया यार। मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि जो बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं ना उनके लिए टाइम इज मनी वाली बात बहुत सीरियस होती है। अगर आपका मीडिया में कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स बनाकर देने होते हैं ऑब्वियसली वहां पर मैक स्टूडियो सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा। वीडियो एडिटिंग की बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर मैं एडोबी प्रीमियर की भी बात करता हूं ना वो भी मैक स्टूडियो पे थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा था। मैंने कुछ विंडोज लैपटॉप से भी कंपेयर किया और कुछ सिस्टम से भी। सच बता रहा हूं वीडियो एडिटिंग के लिए मैक स्टूडियो सच में सेंस बना रहा। पर्सनली लगा था कि जो मैक स्टूडियो ना छोटा होने की वजह से हीट ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शायद से आपको चीज शॉकिंग लगे कि ये जो सिस्टम है काफी हद तक गर्म होता ही नहीं, इसकी जो हीट मैनेजमेंट और बहुत ज्यादा इनसेन लेवल की है। क्योंकि जब मैं iMac से कंपेयर कर रहा था ना सबके फैन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसने तो अपनी फैन की स्पीड भी नहीं बढ़ाई थी और ना ही गर्म हुआ था। और मैं दिल्ली में रहता हूं, आजकल टेम्परेचर 40 क्रॉस कर रहा है भाई, तब भी इतना लाइक हीट को मैनेज कर पा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहूंगा इस डिस्प्ले के बारे में। गाइस मैं बताता हूं 160,000 रुपए का ये 27 इंच में देखने को मिलता है। 5K रेजोल्यूशन है, बहुत अच्छे स्पीकर्स है, वेबकैम भी बहुत ज्यादा कमाल का है, ऊपर से 600 nits की ब्राइटनेस है। और ये मजाक की बात नहीं है, 600 nits बहुत जबरदस्त है। HDR वगैरह एडिट करते हो तो वो क्रेजी चीज है। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये मेरे को वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं लगा है। उसके पीछे का रीजन है, अगर आप M1 वाले iMac देखते हो वो 1,20,000 रुपए से शुरू होते हैं और उसके अंदर भी फैंटास्टिक डिस्प्ले डली हुई है। इतना ज़्यादा महंगा एक डिस्प्ले का होना मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा। मैं आपकी जगह पे होता था LG का अल्ट्रा फाइन 5K खरीद लेता अगर मुझे लाइक अच्छी डिस्प्ले चाहिए हो तो। नहीं तो आप Amazon पे जाके देखो यार, 4K डिस्प्ले भी जो है 50, 60, 80 हज़ार रुपये में मिल रही है, वो ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी मैं उनको बोल सकता हूँ। शायद से मैं आपकी जगह होता तो ये डिस्प्ले नहीं खरीदता। बट मैं फिर भी ये बोलूंगा जिनको भी HDR एडिटिंग करनी है ना तो उनके लिए फिर भी सेंस बनाएगा, जो कि शायद 1% लोग भी नहीं होंगे। कंक्लूजन की बात करते हैं कि मैक स्टूडियो किसके लिए है। अब ये इसका आंसर देने से पहले आपको पूरा पोर्टफोलियो समझना पड़ेगा एप्पल का, कितने सारे M1 चिप वाले मैक आ गए हैं मार्केट में। सबसे पहले हमें 55,000 रुपीज़ में मैक मिनी मिलता है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लाकर देता है, थर्मल्स भी उसके बहुत कंट्रोल है, बट आपको अलग से डिस्प्ले खरीदनी पड़ेगी। अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, सब कुछ जो है मैक मिनी संभाल लेगा, बहुत बेटर बजट में आपको वो कंप्यूटर मिल जाएगा। अगर आप अलग से डिस्प्ले नहीं खरीदना चाहते तो आप 1,20,000 रुपए में iMac खरीद सकते हो और वो 4K एडिटिंग बहुत प्यार से संभाल सकता है और मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है। उसमें आपको बेटर स्पीकर भी मिल रहा है, वेबकैम भी मिल रहा है और ट्रस्ट मी वो फैंटास्टिक
मशीन है अगर आप 1,20,000 रुपए के आसपास खरीदना चाहते हो, तो सारी चीजें छोड़ के iMac M1 चिप वाला देखो। फिर आता है ये Mac Studio 1,90,000 रुपए का, बस ये थोड़ी सी प्रो लेवल वाली चीज है, जैसे कि मल्टीपल डिस्प्ले आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, इसमें फ्रंट में जो है SD कार्ड रीडर है और ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैंने बीच में स्टेटमेंट बोली थी ना, टाइम इज मनी, अगर आप एक बड़ा सा प्रोडक्शन हाउस चलाते हो, मेरे हिसाब से Mac Studio आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका टाइम बचाएगा और ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन देगा। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मुझे पता है कि मैं जितनी ज्यादा बेटर क्वालिटी के साथ वीडियोस पुश करूंगा मेरे को उतना ज्यादा फायदा होगा, बट मुझे ये भी पता है कि मैं अपना काम नॉर्मल M1 चिप के साथ भी कर सकता हूं, चाहे वो 80,000 की मैक मिनी में कॉन्फिगर करा लूं और साथ में एक डिस्प्ले खरीद। तो एप्पल ने सारे बजट में हर एक कंप्यूटर दे दिया है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या खरीदना है। इसकी बात करूं तो भाई मुझे इसको यूज करके मजा आ गया, वैसे डिस्प्ले मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी है। बाकी आप बताना भाई कि आपको ये पूरा पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है एप्पल का, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई मुझे देखने में, तो टेस्ट करने में। बाकी ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।